अस्सलामुअलैकुम माय डियर फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल सुहाना का सफर। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा मीशो हॉल। एंड इसमें से मैंने जितने भी ड्रेसेस लिए हैं वो मैंने अपने प्रेफरेंस के हिसाब से लिए है, जो मुझे लेना था। तो इसमें मैं आपको सब कुछ बताऊँगी, बहुत शॉर्ट में, एकदम ऐसे आपको खिचबिच करके नहीं बताने वाली हूँ कि ये बिंदु यहाँ पे, ये लाइनिंग यहाँ पे, एकदम सिंपल आपके साथ मैं रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। तो जो फर्स्ट चीज़ मैंने ली है मीशो से वो है एक जूती। तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने लिया है वो है ये जूती, और ये मैंने अपने शादी को मद्देनजर रखते हुए लिया है, बिकॉज पूरा ब्राइडल लुक है इस जूती में। ये है वेलवेट की जूती है, एंड इसमें इस तरीके से मोतिया एंड स्टोन मिरर लगे हुए हैं, जो कि रियल मिरर है, प्लास्टिक मिरर नहीं है। मेरा साइज है 37, और एक्चुअल में 37 का जो यूके साइज होता है वो होता है 4, और ये मुझे रिसीव हुआ था 7, और किस्मत से मुझे ये 7 मिल गया और ये मुझे फिट आ गया। अगर 4 आता तो पता नहीं कितना छोटा आता। और ये पहनने के बाद पैरों में इतना खूबसूरत लगता है, एंड इवन मेरे इस ड्रेस के साथ ये बहुत अच्छे से जाएगा, और ब्राइडल जो नए नई ब्राइड्स हैं उनके लिए तो ये बेस्ट है। और ये मुझे बहुत कम प्राइस में अराउंड 260 के अराउंड मुझे ये रिसीव हुआ था, तो बहुत अच्छी रेंज है इसकी, एंड बहुत फ्लेक्सिबल भी है, और मुझे तो अच्छा पसंद आया। तो ये एक प्रोडक्ट हो गया। तो जो सेकंड प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ था वो है ये प्लास्टिक के जो दुल्हन चूड़ा होते हैं वो है, एंड ये अच्छे डार्क ग्रीन कलर में है, वीडियो के कारण आपको थोड़ा लाइट ग्रीन लग रहा होगा। तो मैंने इसमें का और एक सेट मंगवाया है जिसमें सब कुछ है, स्टोन्स वाले जो बैंगल्स होते हैं वो है। तो मैंने इसलिए से सिंपल मंगवाया कि मैं डेली यूज़ के लिए ये चूड़ियाँ यूज़ कर पाऊँ, ताकि वो जो छन छन खन खन आवाज़ होती है मुझे थोड़ा वो चीज़ अवॉइड करनी थी। तो मैंने ये वाली चूड़ियाँ ऑर्डर किए हैं, और एक्चुअल में मेरा जो साइज़ है वो है 24, और मुझे ये रिसीव हुआ 26, और मैंने सोचा इतने बड़े बैंगल से मैं क्या करूँगी, बट गाइज अल्लाह का शुक्र है मुझे ये 26 रिसीव हुआ, बिकॉज इसे पहनते वक्त इतनी तकलीफ होती है, मतलब इसकी जो अंदर का ये पार्ट है ना, बहुत एकदम फाइन, मतलब ऐसा लगता है हाथ कट जाएगा या छिल जाएगा। तो मुझे इसमें भी प्रॉब्लम होती है, अगर छोटा आता तो पता नहीं मेरे हाथ शायद बचते ही नहीं। एंड मैं इसे आपको पहन के दिखा देती हूँ। एक्चुअली हाँ, मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि ये तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसके साथ आप अपने अलग से कोई भी स्टोन्स वाले बैंगल्स आगे पीछे पहन के इसे बिल्कुल एकदम टिपिकल दुल्हन चूड़ा इसका बना सकते हैं। आप ऐसे भी पहन सकते हैं, बट बेटर होगा कि आप इसके साथ कुछ और भी वेयर करें स्टोन्स के बैंगल्स। एंड ये मुझे 40 पीसेस रिसीव हुए थे, मतलब 20 इस हाथ में, 20 इस हाथ में। तो ठीक है, साइज इतना दुल्हन चूड़े का साइज होना चाहिए, ताकि आपको पहनने खोलने में ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो ये हो गया सेकंड प्रोडक्ट। क्वालिटी अच्छी है, मतलब शाइन है चूड़े में, एंड क्वालिटी भी अच्छी है, टूटने वाला नहीं है इतने जल्दी, मतलब एकदम नाजुक नहीं है। तो ये हो गया सेकंड प्रोडक्ट। जो थर्ड प्रोडक्ट है वो दुल्हन चूड़ा है, मुझे पूरा सेट में रिसीव हुआ था। एक्चुअल में इसका जो जो जिसमें आया था ये चूड़ा वो प्लास्टिक का था, और इसमें ये वाले डिब्बे में ये ग्रीन वाली चूड़ी आई थी, बट इसमें ये फिट बैठ रहा था तो मैंने इसमें इसे रख दिया। एंड एक्चुअल में हो रहा ये है कि एग्जैक्ट मैं आपको इसके जो पैकेजिंग है वो नहीं दिखा पाई, बिकॉज ये आ चुके हैं कम से कम 6 से 7 महीने पहले। मैंने इन सबको ऑर्डर किया था ताकि शादी तक मेरे पास, मुझे हड़बड़ी ना करनी पड़े, सारी चीज़ें मेरे पास प्रोवाइड रहे। तो थोड़ा सा वो जो पैकेजिंग वगैरह है वो मैं आपको एकदम एग्जैक्ट नहीं दिखा पाऊंगी, बस मैं आपको प्रोडक्ट बता पाऊंगी। बाकी बॉक्सेस बहुत अच्छे आते हैं इसके साथ, और ये चूड़ा भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इतनी क्वांटिटी है इसकी, बहुत खूबसूरत लगता है ये हाथों में, मतलब देख के मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी, बिकॉज मार्केट में 1,500-2,000 के नीचे आपको कहीं दुल्हन चूड़े नहीं मिलने वाले। जो मिलेंगे भी वो अराउंड 300-500 तक तो बिल्कुल होंगे, जो एकदम कम प्राइस के होंगे। बट ये मुझे, मैं स्क्रीन पर सब कुछ मैंशन कर दूँगी, जैसे कि मैंने बताया बहुत पहले मुझे ये रिसीव हुआ है, तो मुझे प्राइस याद नहीं है। मुझे 250 या 300 के अंदर ही ये मुझे रिसीव हुआ था, तो मुझे बहुत पसंद आया। और इसमें सेकंड हाथ के लिए भी इसका जो सेट है वो है, बट मैं अभी पहन नहीं रही हूँ, बिकॉज मुझे बहुत जल्दबाजी है। गाइज माफ़ी चाहती हूँ कि इस तरीके से वीडियो बना रही हूँ, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे कल ही कोलकाता के लिए निकलना है। तो बस देख लीजिए, और ये प्रोडक्ट भी मेरा बहुत मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है मीशो में से, और मुझे बिल्कुल सही सलामत सही साइज मुझे इसका रिसीव हुआ। इसमें इस तरीके से स्टोन वाले बैंगल्स है, ये बड़े स्टोन वाले बैंगल्स है, बीच में ये जो दुल्हन चूड़े होते हैं वो है। इसमें बहुत सारे कलर वेरियंट्स है, आप चाहे तो ले सकते हैं। एंड ये मेरा 24 साइज है,
और आप मेरी कलाई देख सकते हैं। अगर आप इस तरीके की कलाई है तो आप 2-4 साइज ऑर्डर कीजिएगा। मेरे लास्ट प्रोडक्ट बचते हैं वो है ये दुपट्टे के कॉम्बो, और एक मैंने ऑलरेडी वेयर किया हुआ है। तो ये इसमें आपको कलर कलर्स के कॉम्बो मिलेंगे, जितने भी ड्रेसेस जितना भी कुछ मैं दिखा रही हूँ सब में आपको कलर वेरियंट मिल जाएंगे। आप जो कलर लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो ये इस तरीके से 3 मुझे कॉम्बो में रिसीव हुआ था, ये येलो कलर में है। इसमें ज़्यादा बताने लायक कुछ है नहीं तो मैं इसे शॉर्ट में ही एंड कर दूंगी। इस तरीके से है और ये ना चंदेरी कॉटन फैब्रिक में है, जो कि अभी आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। ये बहुत अच्छा लुक देता है जब आप इसे अपने सूट के साथ वेयर करते हैं। बात करें इस दुपट्टे की लेंथ की, तो ये 2.5 से 2.5 मीटर का दुपट्टा है, बहुत लंबा है। जो छोटे छोटे दुपट्टे आते हैं 2.5 मीटर के, उस टाइप का नहीं है। चौड़ाई भी इसकी बहुत अच्छी है, लाइक आप देख सकते हैं चौड़ाई बहुत अच्छी है इसकी, और मुझे बहुत पसंद आया। अगर आपके साथ कोई और भी लेना चाहता है तो आप इस कॉम्बो को परचेस करके आप अदला बदली कर सकते हैं। एंड अगर आपको अकेले भी लेना है तो बस एक सिंपल सा सूट लेगिंग आप मैचिंग की रखिएगा और ये दुपट्टा वेयर कीजिएगा। मैंने तो अपने ड्रेसेस के हिसाब से ही इसे परचेस किया है। तो ये मरून कलर में है, येलो कलर में है, ब्लैक कलर में है। सारे ही कलर्स बहुत खूबसूरत है, और जिस तरीके के आपको दिख रहे हैं ना वीडियो में, पता नहीं क्यों इसका एग्जैक्ट कलर दिखाई दे रहा है, और ऐसा ही कलर ये एक्चुअल में है। एंड ये भी मुझे बहुत कम प्राइस में रिसीव हुआ था मार्केट से, तो मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ज़्यादा सी थ्रू नहीं है। अगर मुस्लिम कोई लड़की लेना चाहती है जो सर पे दुपट्टा वगैरह रखती है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। एंड इस तरीके से ना इसमें गोल्डन कलर के इस तरीके से धागे का काम किया हुआ है, नीचे इस तरीके से कुछ दिया हुआ है जो कि बहुत अच्छा लुक देता है। ओवरऑल जो ये दुपट्टे है इसकी क्वालिटी अच्छी है। थोड़ा सा ख्याल से, थोड़ी से नरमाई से दुपट्टों को धोइएगा तो ये बहुत दिन तक चलेगा। और एक ड्रेस जो है, इस ड्रेस की बात कर ले, ये भी मीशो से है। ये मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रेस है, इसे मैंने परचेस किया है कि मैं शादी के बाद इसे किसी भी एक छोटे मोटे से फंक्शन में इसे वेयर करूं, क्योंकि बिल्कुल ब्राइडल लुक दे रहा है ये ड्रेस। जैसे कि आपको, आप देख लूंगे इसका ओवरऑल लुक। तो मैं आपको इस वीडियो को, इस ड्रेस को इस तरीके से रिव्यू करके दिखा रही हूँ ताकि मैं और अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर सकूं। तो ये बिल्कुल कॉटन, प्योर कॉटन का ड्रेस है, एंड मरून कलर में है, और इसमें इस तरीके से क्रीम कलर में वर्क किया हुआ है, और 38 साइज़ है मेरा। मैंने थोड़ा बड़ा मंगवाया था, और इसकी स्लीव्स जो है वो 3/4 है, और इसमें जो ट्रांसपेरेंट सीक्वेंस होते हैं ना, वो सीक्वेंस का वर्क किया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा एकदम सटल लुक देता है, एकदम चमकीला तड़कीला भड़कीला वाला नहीं। जिन्हें ऐसे सूट्स पसंद नहीं है चमकीले वाले, तो इसमें इस तरीके से नीचे बॉर्डर दी हुई है, कटवर्क दिया हुआ है, और धागे का वर्क है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो बहुत प्यारा कुर्ती है इसकी, और जो इसका प्लाजो है, एक्चुअली ये थोड़ा शरारा टाइप है, थोड़ा घेर वाला प्लाजो है, तो इसे कली वाले प्लाजो है एक्चुअली ये। एंड ये भी प्योर कॉटन में है, और इस तरीके से इसके साइड में नाड़ा दिया हुआ है, इसमें इलास्टिक नहीं है, और ये मेरे कमर से थोड़ा ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही चौड़ा है। एक्चुअली छोटा साइज़ था नहीं तो मैंने बड़ा साइज़ ही मंगवा लिया, सोचा खुद ऑल्टर कर लूँगी। एंड इसके नीचे भी इस तरीके से बॉर्डर दी हुई है, पूरा धागे का काम है, ट्रांसपेरेंट सीक्वेंस है, और मोटा कपड़ा है, ऐसा नहीं कि बहुत पतला कपड़ा है। बस इतना ही था, और सब कुछ अपने शादी को मद्देनजर रखते हुए ही मैंने जितनी भी चीज़ें, जितने हॉल्स आपके साथ शेयर करे, सब उसी हिसाब से मैंने बाय की है। तो आपको कुछ भी पसंद आए तो आप ज़रूर परचेस कीजिएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, प्रोडक्ट्स कैसे लगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज़ गाइज एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।